2019 का चुनाव राहुल गांधी किसी भी तरह जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। 20-20 राजनीतिक दलों के साथ डिनर डिप्लोमेसी तैयार करनी चाहिए, या फिर आपका फेसबुक डेटा गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करना पड़े। ये तो आप जानते ही होंगे कि 2019 की जंग जीतने के लिए राहुल गांधी को अपना ब्रह्मास्त्र ट्रंप के लिए कैंपेन करने वाली डेटा एनालिटिक्स फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका में दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने कैंपेन के लिए इस कंपनी को हायर भी कर लिया है, भले ही इस बात को ऑफिशियली उन्होंने स्वीकार न किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका की करतूत को अब खुद फेसबुक ने उजागर किया है। फेसबुक ने पाया है कि इस फर्म ने 50 से 60 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी इजाजत के बिना ही चुरा कर इस्तेमाल कर लिया। भारत में भी तकरीबन 25 करोड़ लोगों का डेटा चुराए जाने का अनुमान है। फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को सस्पेंड भी कर दिया है। कांग्रेस की इस हरकत को आप ऐसे समझिए, आप फेसबुक पर कौन सी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं और क्या अपलोड कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी फॉरेन ट्रिप, आपकी पसंद नापसंद, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका धर्म और आपकी जाति से जुड़ी जानकारियां चुराई गई हैं। मतलब आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर कर 2019 के चुनाव को जीतने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस के लिए क्या देशवासियों की सुरक्षा से कहीं ज्यादा जीत जरूरी हो गई है?